بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سورة بارا سورة طه آية مباركة 44 आयते मुबारक का तर्जमा तो तुम दोनों उसके लिए नरम बात कहो ताकि वो या शायद वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। इस आयते करीमा के हवाले से अल्लाह मालिक जाने कितनी बातें हैं। दो बातें अल्लाह की तौफीक से अर्ज करने की आजिजाना कोशिश का इरादा लेके आया। अल्लाह करे कि उन दोनों बातों से कहने और सुनने वालों को फायदा। जो बात नंबर दो है, चूंकि वो कदर मुख्तसर है, उसको पहले जिक्र कर देते हैं, फिर बात नंबर एक की जानिब आएंगे जो उसके मुकाबले में कदर इंशाल्लाह मुफस्सल है। आयत मुबारक पर निगाहें जमाइए। सो तुम दोनों उससे नर्म बात कहो शायद के वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। यहां एक सवाल है और वो सवाल शैतानी नहीं, तालिब इल्म का समझने वाले का सवाल है। सवाल ये है कि अल्लाह पाक शायद के वो क्यों फरमा रहे हैं, और फिर माज अल्लाह क्यों शैतानी नहीं समझने के। शायद के वो या उम्मीद है कि वो नसीहत हासिल करे या डर जाए। शायद या उम्मीद है कौन बोलता है, जिसको खबर हो या जिसको खबर ना हो। जोर से बोले, वो तो शायद नहीं कहता रहा साहब। जिसको खबर ना हो वो कहता है। आप अपने मुलाजिम को भेजते हैं, जाओ बेटा शायद के सौदा हो जाए। अगर आपको खबर हो तो फिर शायद तो नहीं कहेंगे। अल्लाह मालिक शायद कह रहे हैं, और वो आलिमुल गैब वश्शहादा, जो मखलूक से गायब है उसको भी जानते हैं, जो हाजिर है उसको भी जानते हैं, जो हो चुका उसको भी जानते हैं, जो होगा हजारों साल बाद उसको भी जानते हैं। फिर शायद क्या है? करीब करीब है माशाल्लाह। ये शायद के उम्मीद है कि दावत देने वाले के एतबार से है। तुम दोनों ने दावत देनी है किस उम्मीद के साथ? शायद के वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, उनका इल्म गैब का तो नहीं, उन्हें तो उस बात की खबर है जो उनके सामने है, या जिस बात की खबर अल्लाह दे दे। तो अल्लाह ने यह खबर नहीं दी कि वो ईमान लाएगा या नहीं, तो वो क्या करे? इस उम्मीद पर दावत दे कि वो नसीहत हासिल करेगा या डर जाए। यहां एक और फायदा इस सवाल के जवाब से हटकर,
दावत देने वाले को चाहिए कि जिसको दावत दे किस उम्मीद से दे, बोलिए ना। कितने बाप और माएं तरबियत करने वाले बात कहने के साथ साथ कहते हैं मुझे पता है तूने मानना है, कहते हैं कि नहीं, ये अंदाज अच्छा है। हमारी औलादें फिरौन से बुरी हैं, जरा अपने आप का भी, हम बच्चों की शागिर्दों की और लोगों की तरबियत करते हुए खुद तो पटरी से न उतर जाए, ऐसा बात वाजिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को दावत देते हुए एक अदब क्या सिखाया जा रहा है कि फिरौन को दावत देते हुए उम्मीद उसके कबूल करने की रखनी है या तोड़ देनी है। तो मैं और आप कैसे अपनी औलाद से उम्मीद तोड़ूं? बट्टी साहब जी बात वाजे ने ना, ऐसा ये जुल्म न करें अपनी जान पर अपनी औलाद। और फिर अलग ऐलान कहते हैं कि मानना तू तो है नहीं लेकिन मैं कह देता हूं, ये कोई तरीका है समझाने का? पता नहीं मेरी बात वाजे हो रही है कि ये नहीं ठीक है, ये तरीका नहीं ठीक। उम्मीद रखें किससे? उससे उम्मीद नहीं अर्श वाले रब से, अर्श वाला रब फिरौन को भी हदायत देने पर कादिर था कि नहीं था? अगर वो उन पर कादिर हैं तो मेरी औलाद पर कुदरत क्यों नहीं रखती? बात वाजे हो रही। और इसके साथ एक और तफसील भी सुन लीजिए, शराई तौर पर बहुत संगीन गुना है किसी के बारे में ये फैसला देना कि वो सीधा नहीं होगा। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक शख्स ने बड़ा नेक था, किसी शख्स को देखा कि वो पटरी से बहुत ज्यादा उतरा है, तो कहने लगा अल्लाह की कसम इसको अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। तवज्जो फरमाना, मैं कहीं दूसरों को बचाते बचाते खुद ही गरक ना हो जाऊं, और अल्लाह करे मेरा गुमान गलत हो, कितने गरक होते हैं कि नहीं? नमाजी है, इशराक पढ़ता है, लेकिन जुबान बेकाबू, फतवे बांट रहा है ना। तो इस शख्स का क्या हुआ? अल्लाह पाक ने फरमाया, कौन है ये जो मुझ पर कसम डाल रहा है? क्या मतलब? जो मुझे इस बात का पाबंद कर रहा है कि मैं इसको माफ नहीं करना। और उसके बाद क्या हुआ? बड़ी खतरनाक, एक तरफ खतरनाक और एक तरफ शानदार। अल्लाह मालिक फरमाते हैं, मैंने उसको मुआफ कर दिया और उसके आमाल को बर्बाद कर दिया। किसके आमाल बर्बाद हुए? ना, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। और सोचिए कि दीन कितना प्यारा है, अगर मैं आप अपनी औलाद के साथ जो हमारे जेरे तरबियत हैं इस अदब को महफूज रखते हुए मामला करें तो कुछ फिजा बदलने की तवक्को है कि नहीं? ऐसा ना हो औलादों की खराबी में हमारा हिस्सा हो जाए और रोज कयामत पता चले कि ये बाबा जी बड़ी इबादत वाले, उसकी बर्बादी में इनका भी इतने फीसद हिस्सा। ना, ऐसे ना करें। कुरान और सुन्नत का तरीका अख्तियार करें। बात वाजी हो रही है। दूसरा जवाब, यहां लअल्लाह उसका माना क्या है? यहां माना शायद के उम्मीद के नहीं, लअल्लाह का एक और माना भी होता है, ताकि यानी तेरे नरम, तुम दोनों के नरम बात कहने का टारगेट क्या है?
निशाना क्या है, क्या निशाना है कि वो नसीहत हासिल कर ले या डर जाए। इसमें ना अल्लाह के इल्म की बात है ना उनके। ये तुम्हें ड्यूटी दी है, ये तुम्हारा मिशन है, और तुम्हारा गोल क्या है बोलिए, इसमें अल्लाह के इल्म होने न होने, मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म होने न होने की कोई बात, बात वाजे हो गई। इसी हवाले से एक अलग से बात, सवाल का जवाब हो गया, दो जवाब हैं और मेरी तरफ से नहीं, हजरात मुफस्सिरीन पर अल्लाह रहम करे वहां से पढ़ के आया, और मेरे ख्याल में दोनों जवाब शाफी और काफी, मैं तो मुतमईन हूं। एक अलग से बात, किसी को नसीहत करने वाले का मकसद क्या होना चाहिए, अपनी शख्सियत का इजहार, मद्दे मुकाबले को जलील करना, अपना गुस्सा निकालना, ना ये ना करें। कितने समझाने वाले खुद दीन से निकल जाते हैं, गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, और हाथ का वहां तक इस्तेमाल करते हैं जहां तक इजाजत नहीं। ये काहे की दीन की दावत, ये खुद दावत दीन की देने वाला दीन से निकल जाए, और इस तरह जो नया फैशन है दीन की दावत देते हुए गैर शरई तरीके इस्तेमाल कर, इसको बात बनती है, पता नहीं मेरी बात समझ आ रही, अमजद साहब समझ नहीं आ रही। जब मेरा मकसद उसको समझाना है, नसीहत कर जाए, उसको डराना है, तो मैं खुद दीन को छोड़ के उसको समझाने की कोशिश करूं। पता नहीं आपकी समझ में बात आ रही है कि नहीं, मेरी में तो नहीं आती। मैं ठेकेदार हूं कि हर कीमत पर अपना दीन छोड़ के भी उसको दीन की तरफ आना, ना तो दीन पे कायम रहना, ना झूठ बोल, कोई चीज जो गैर शरई है किसी को समझाने के लिए नहीं कर। कई लोग, मैं छोटी मिसाल देता हूं, वो इससे हटकर है, लेकिन पांच पांच पे नमाज है, बच्चे को मिसाल दे रहा हूं ताकि मेरी आपकी इसलाह हो जाए, बच्चे को उठा रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है, वो कहे पांच पांच हो गए हैं, ठीक है ये क्या फायदा, उठ भी जाएगा फिर भी गलत। सीधा क्या है, 15 मिनट बाकी उठो, आधा घंटा बाकी उठो, उसका मकसद दावत देते हुए क्या हो कि वो नसीहत हासिल करे और डर जाए, तो मैं क्या नसीहत छोड़ दूं और डरू ना। अब आइए पहली बात की तरफ, फिरौन से बात कैसे करनी है, निगाहें जमाइए, मैं जो समझता हूं अर्थ किए देता हूं, ये पर्चा बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है कि आदमी दीन की दावत दे और नरमी करे। आमतौर पर दीन की दावत देते हुए हम आपे से बाहर हो जाते, आसाब पे काबू खत्म हो जाता, मुंह से क्या कुछ निकलता है, देखो बात है। मैं अपने से बात शुरू करता हूं, किसी को ना ना, हमेशा इस आयत करीमा को सामने रखें, और आयत करीमा एक नहीं, कितनी कुरान और सुन्नत में इसकी दलीलें हैं, अपने आसाब को काबू में रखें, अपनी जबान को अल्लाह माफ करे, डिक्शनरी खोल देते हैं किसकी, दुआओं की, ला हौला वला। ख्वातीन
ऐसे ना करें, बिल्कुल ना करें, और सिर्फ घरों में नहीं बाहर भी ना ऐसे करें। दीन की दावत में दीन की खुशबू हो, वो दीन की दावत काहे की है जिसमें बदबू हो। अब मेरे साथ कुछ आयात और अहादीस सुनिए, शायद मुझे फायदा हो जाए और आपको भी हो जाए। मेरे साथ सूरह अन्नहल 14वां पारा आयत शरीफा नंबर 125 निकालिए, इसके आगे देखिए, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और उनसे मुजादला करो, उनसे बहस डिस्कशन करो, किस तरीके से, उर्दू में तर्जमा कीजिए ना अहसन का, इसलिए मैंने कहा तर्जमा करो, अहसन बहुत भी नहीं, सबसे अच्छे तरीके से। वजह जब सौदा बेचना हो रहा साहब, चीमा साहब तो नहीं प्रॉपर्टी डीलर, तो जब ग्राहक को फंसाना हो, माई बाप और क्या कुछ पेट में अपना दिल उसके लिए रख देते, अच्छी कमीशन बन रही है, पता नहीं चलता ये वही बंदा जो 10 मिनट पहले कौन सी जुबान बोल रहा था, और जब वो नहीं लेता तो फिर फौरन अपने असल पोजिशन में आ जाता है। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और उनसे मुजादला कीजिए, डिस्कशन कीजिए, किस तरह, उस तरीके से जो सबसे ज्यादा अच्छा है। यह दीन की दावत कहते हैं। दूसरा मुकाम सूरा अल अनकबूत 21वां पारा आयत मुबारका 46, इसी दलील पर इंशाअल्लाह बात रोक लेंगे। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और तुम मुजादला न करो, मुबाहसा न करो, डिस्कशन न करो, मुनाजरा न करो अहले किताब से, मगर किस तरह, मगर उस तरीके से जो सबसे अच्छा है। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में कदरे तफसील होगी, लेकिन ये चार लफ्ज सुन लीजिए, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, ये सबसे अच्छा तरीका सबके लिए नहीं है। अब जो मैंने नरमी नरमी का दर्श दिया है, खोटे इसी को ना पकड़े, मैं खुलासा अब अर्थ करता हूं इंशाअल्लाह तफसील बाद में। दावत में असल यह है कि नरमी से हो, लेकिन ये लेकिन भी पहली बात के साथ सुनी, और इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू अल्लाह तौफीक दे तो इसके बारे में तफसील, लेकिन ये हमेशा नहीं, सुन लीजिए, हमेशा नहीं, एक्सेप्शंस हैं जिनमें नरमी करना हमाकत है, उनमें आज की जबान में गियर को बदलना जरूरी है जी, जो भी इंशाअल्लाह आइंदा सबक में इस्तेमाल नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन बताएंगे उसमें, लेकिन असल क्या है, जनरल रूल नरमी। अल्लाह ताला मुझे आपको दीन के मुताबिक दावत देने की तौफीक अता फरमाए, और इस बारे में हमारी जो गलतियां और बहुत है अल्लाह वो दूर कर दे। अल्लाह हमारी मजलिस को मुबारक फरमा, अल्लाह कहने सुनने की गलती को मुआफ़ फरमा, अल्लाह कहने सुनने की गलती को मुआफ़ फरमा, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारी बीमारियों को रफा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى السلام عليكم ورحمة الله। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है।
इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।